हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका गुप्ता और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल उदयपुर अपलोड में, जहाँ पे आपको उदयपुर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो में लगातार बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करे, लाइक करे ऐसी और मोर वीडियोज के लिए। जैसा कि आज हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम पे जिसका नाम है लीला मोटर्स। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल हैं, किस रेंज में अवेलेबल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? चरणजीत। अच्छा, तो अपने यहाँ पे किस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटीज मिल रही हैं जिसमें लोग किस तरह के आके देख सके कि हमें यहाँ पे कंफर्टेबल स्कूटी मिल रही है? मेरे यहाँ पे शोरूम में इकोनॉमिक रेंज की गाड़ियाँ हैं। ओके। और बहुत नॉमिनल रेंज में गाड़ियाँ हैं, हर आदमी परचेज कर सकता है। अच्छा, बाकी किस किस टाइप के मॉडल के आपके पास है? आइए बताता हूँ। फर्स्ट वाला मॉडल है जी, ये एक चार्ज में आपका 60 किलोमीटर चलता है। मतलब कि एक ही बार चार्ज करना है और उसके बाद वो 60 किलोमीटर तक चल सकती है। हाँ, और इसमें लीड एसिड बैटरी आती है। लीड एसिड बैटरी है ना, और जिससे 2.5 यूनिट में आपका आपका फुल चार्ज होगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें 10 इंच के टायर आएंगे। ओके। ट्यूबलेस टायर है, ठीक है, है ना। ट्यूबलेस टायर का क्या फायदा, पंचर होने के बाद भी एकदम हवा नहीं निकलती। अच्छा, धीरे धीरे आप घर पे पहुंच सकते हैं। ओके। ट्यूबलेस टायर में एकदम टायर हवा निकल जाती है और टेलीस्कोपी शॉकर से आगे फ्रंट में। ओके, है ना। और सारे ये गार्ड्स लगे हुए स्टील के, जो कि बॉडी के सपोर्ट के लिए। अच्छा। कभी गाड़ी अगर गिर भी जाती है तो डैमेज नहीं होती। मतलब ये स्टील इसी लगा रखी है जिससे कि अगर गाड़ी कल को गिर भी जाती है तो भी इसमें हमारी बॉडी सेफ्टी रहेगी, बॉडी इसमें डैमेज नहीं होगी। ओके, है ना। और उसके आगे ये है कि जैसे इसमें 3 मोड है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप फर्स्ट मोड में चलते हैं तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। हाँ, ये ईवी का गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की या कंपनी गाइडलाइंस है। जैसे आप फर्स्ट मोड में चलेंगे तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा इसमें। फर्स्ट मोड पे चलने पे गाड़ी का बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा, बता रहे हैं। हाँ? और इसमें जैसे आपका एक ये अपना स्टॉप है, जैसे मान लो ये बटन आप दबा देंगे तो गाड़ी स्टार्ट भी होगी आप। अच्छा, ये लॉक वाला जो हाँ, सिस्टम दे रखा है, इसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, होगी नहीं उसमें वाली वो चाबी हो नहीं। हाँ, चाबी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी आगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो सिक्योरिटी के पूरी इनको दे रखा है कि भाई इसको लॉक कर देंगे तो उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी नहीं, भले आपके पास चाबी हो या नहीं हो। और आगे आगे इसमें लेग स्पेस बहुत अच्छा है इसका, लेग सही में इसका लेग स्पेस बहुत ज्यादा अच्छा है। शायद इसमें बहुत ज्यादा स्पेस दिया गया है, जैसे कि मैं बता भी सकती हूँ बैठ के कि इसमें काफी कंफर्टेबल इजीली बैठ पा रहे हैं, कि काफी अच्छे से मैं बैठ पा रहे हैं, इसमें पोजीशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जैसे कोई आपको सामान कैरी करना है, जी, कोई लेके आना है तो आप आराम से आगे आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा लेग स्पेस है इसके अंदर। और इसका बैटरी का भी मुझे दिखा दीजिए कि बैटरी का क्या सिस्टम है। बैटरी इसके अंदर ही है, इनबिल्ट है इसके अंदर, इसके अंदर दिखेगी नहीं आपको। तो ये बॉक्स खुलता भी नहीं होगा नहीं, तो उसको बाहर ले जाके चार्ज करना हो? नहीं, वो दूसरे वाले मॉडल में आता है। ओके ओके, है ना, आरटीओ वाले मॉडल में आएगा। इसमें बैटरी फिक्स रहेगी, ये इसका चार्जर है, ये इसका चार्जर, चार्जर हाँ, साथ में दिया हुआ है। ये गाड़ी विदाउट आरटीओ विदाउट लाइसेंस वाली गाड़ी है। विदाउट इसमें आरटीओ लाइसेंस की जरूरत नहीं है, 14 साल के बच्चे भी इस गाड़ी को चला सकते हैं। ओके ओके। मेरे पास एक एमओ कंपनी का गवर्नमेंट अप्रूव्ड कार्ड है, ये गवर्नमेंट कार्ड कस्टमर को मिला जाएगा, जिसके वजह से अगर वो बच्चे हैं तो उनको वो इजीली गाड़ी चला सकते हैं मार्केट में, उनको लाइसेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसके ये कितने प्राइस में हम इसको ले सकते हैं, मतलब इसका क्या इसका कस्टमर क्या अंदर पैसे लेकर है जिसके बाद ये गाड़ी ले जा इसका सकता है? बेस प्राइस है 63,000 का, अगर आप ऑन रोड जाने तो 70,600 का ऑन रोड प्राइस है इसका। ओके, मतलब ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है 63,000 में ओनली। अगर इसको अगर कैश उसमें ईएमआई में लेनी हो तो ईएमआई में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। ओके। कोई भी ईएमआई आप करा सकते हैं और मिनिमम डाउन पेमेंट में इसका आपका ईएमआई आपका फाइनेंस हो जाएगा इसके अंदर। ओके, तो अब हम आ चुके हैं सेकेंड मॉडल पे जिसका नाम है जॉन्टी प्लस। पहले वाला आपने जो देखा था वो सिर्फ जॉन्टी था जो कि नॉन आरटीओ था, और अभी का जो मॉडल है वो आरटीओ है, मतलब कि इसमें लाइसेंस होना कंपलसरी है।
तो सर आप मुझे इसके फीचर्स के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, किस तरह से ये गाड़ी कितनी जल्दी चार्ज हो सकती है। इसमें सिस्टम वो का वही है जो अपने भी इन गाड़ियों में, बैटरी चार्जिंग का सिस्टम सारा 5 to 6 आवर्स है, कोई भी गाड़ी लेंगे आप सारे 5 to 6। इसमें आपको बैटरी मिलेगी लिथियम फॉस्फेट बैटरी मिलेगी आपको, लिथियम फॉस्फेट। अब इसमें भी दो है, इसके अंदर एक जिसे आपको ये दिखाइए, इसमें ये है कि आप बैटरी निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें इतना बेस्ट ऑप्शन दे रखा है कि भाई कि सब जगह अगर अपन को बैटरी चार्ज करने का नहीं मिल पाए तो इसको हम बाहर निकाल के घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, बाहर भी चार्ज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और इसमें मोटर जो आपको मिलेगी 1300 वॉट की, 1300 किलो वॉट की मोटर मिलेगी, 1300 किलो वॉट, उससे आपको पावर ज्यादा जनरेट मिलेगा। ओके, तो इसकी नॉर्मल स्पीड कितनी रहती होगी? इसकी मैक्सिमम स्पीड 55 की मिलेगी, आप 55 की स्पीड में इसको चला सकते हैं, ठीक है। और एक चार्ज में 100 किलोमीटर चलेगा। और मेन फीचर क्या है? मेन फीचर इसे पावर मिल रहा है आपको। अच्छा। जितना आप अपग्रेड में जाएंगे, आपको लिथियम फॉस्फेट बैटरी है तो उसमें आपको पावर मिलेगा, ज्यादा रनिंग मिलेगी आपको। ओके ओके, तो आपने जैसे देखा दोनों ही मॉडल बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो आप जितना जल्दी चाहे इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ले सकते हैं। और इस जैसे वो नॉन आरटीओ था, इस आरटीओ वाली गाड़ी को लेने के लिए कितना प्राइस हमको लाना पड़ेगा? ये अभी आज का प्राइस है 1,17,700। 1,17,700 रुपए की ये है, मतलब इसके फीचर भी बहुत अच्छे हैं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसलिए इतना कॉस्टली भी है। पर वैसे अगर नॉर्मल ईएमआई पे लेना चाहे तो इसका क्या शेड्यूल रहेगा, कितने पेमेंट पे वो अंदर आए कि भाई उसके बाद 20 to 25,000 रुपए लेके कस्टमर अंदर आ सकता है और ये आरटीओ इलेक्ट्रिक गाड़ी वो इजिली ले सकता है। तो हमने अभी तक जो भी मॉडल्स देखे हैं उनके ये अलग अलग कलर्स हैं, जो आपको जो कलर पसंद हो उस कलर्स में आप ये ले सकते हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट तो ये ग्रे कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अगर मैं लेती तो ये ग्रे लेती। आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सर आप मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन से कलर अवेलेबल होने वाले हैं और उनकी भी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, वो भी बताइए। जैसे ये आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर है, ये मैट फिनिश में आता है जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत है और काफी लोग इसको पसंद करते हैं। ओके, है ना। अब ये ग्रे कलर है तो इसका क्या है कि आपको डस्ट और स्क्रैच नजर नहीं आएंगे इसमें आपको, मतलब मैट कलर का फायदा यही है कि इसमें अगर कोई धूल मिट्टी डस्ट अगर वगैरह कुछ लग रही है तो वो इसमें नजर नहीं आने वाली, इजीली साफ हो जाएगी। ओके, बाकी ये रेड अपने आप में बहुत अच्छा प्यारा कलर है, रेड ब्लैक का अच्छा कॉम्बिनेशन है, ग्लोसी में आता है ना, और उसके बाद ये व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, ये भी ग्लोसी में आएगा आपको। इसमें 4 कलर अवेलेबल है हमारे पास। ओके, तो सर बताइए कि इस एरिया की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है जिससे कस्टमर इजीली आ सके? उदयपुर में अपने पैरागोन मोबाइल, मेरे ख्याल से तो सभी जानते होंगे उदयपुर में पैरागोन मोबाइल, बिल्कुल उसके पास में हाड़ी रानी होटल है जी। जो कि अपने आप पैरागोन मोबाइल के पास में है, उसी गली के अंदर सामने लीला मोटर्स के नाम से एमओ इलेक्ट्रिक। कौन सा एरिया आता है वैसे सर? ये गुलाबा रोड। आपको उसका मोबाइल नंबर, यहाँ की एड्रेस सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आपको यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर एक बार ये बताइए कि अगर कोई कस्टमर हमारे वीडियो देखकर यहाँ पर आता है, कोई हमें फॉलो करके आता है कि भाई हाँ हमने इनका वीडियो देखा था तब आपके शोरूम में आए हैं, तो उनके लिए क्या अलग से कोई डिस्काउंट ऑफर है? 100%। ओके, तो मतलब कि गाइस आप हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को देख के यहाँ शोरूम में आने वाले हो तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। ये था लीला मोटर्स और यहाँ पे आपने दोनों टाइप्स के इलेक्ट्रिक स्कूटर देख चुके हैं, ठीक है। और इस शोरूम का जो सुबह टाइम है 10 बजे से रात के 8 बजे तक है। और भी अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस स्कूटर को खरीद सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।